जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। हम लेके आ गए हैं सेकंड शॉप का लाइसेंस। आप देखे होंगे, पहले हम रॉक ज्वेलरी का सभी लाइसेंस जो बनाए थे उसका वीडियो लेके आए थे। आपको डिस्क्रिप्शन पर भी उनका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। अभी हम सेकंड ज्वेलरी जिसका हमने लाइसेंस बनाया है, यह है उसका वीडियो। उसका नाम है साहा ज्वेलरी एंड टूल्स। ये है मणिपुर का, इम्फाल वेस्ट मणिपुर का। तो आपको वन बाय वन लाइसेंस में दिखा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले आप देखिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देखिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, उनका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको लेना होता है। ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, उसका कोई रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं होता है। देखिए एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी हम सेकेंड लाइसेंस पे चलते हैं। सेकेंड है देखिए गोल्ड का, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो है, गोल्ड का जो होता है, देखिए गोल्ड का, ठीक है। ये 5 साल के लिए वैलिड होता है, 5 ईयर। 5 ईयर के बाद उसको रिन्यूअल करना पड़ता है। ये देखिए साहा एंड टूल्स इम्फाल वेस्ट मणिपुर का, ठीक है। अभी हम थर्ड लाइसेंस पे चलते हैं। ये तो हो गया सेकेंड। थर्ड देखिए ISO, क्वालिटी मैनेजमेंट का जो ISO होता है, देखिए ये 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 साल के बाद आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। आप देख सकते हैं देखिए साहा ज्वेलरी एंड टूल्स का, ठीक है। अभी चौथे पे चलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC रजिस्ट्रेशन भी उनको बोलते हैं। ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, इसका कोई रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं होता है। आप देख सकते हैं देखिए, ठीक है, साहा ज्वेलरी एंड टूल्स इम्फाल वेस्ट मणिपुर। अभी हम 5 लाइसेंस पे चलते हैं। देखिए BIS का ये सिल्वर होगा, देखिए सिल्वर है, ठीक है। देखिए इम्फाल वेस्ट साहा ज्वेलरी एंड टूल्स, ठीक है। और उनका अभी तक GST अभी पेंडिंग है। GST भी जैसे आ जाएगा मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो डेर किस बात की, आपका भी अगर ज्वेलरी शॉप है तो हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपका ज्वेलरी शॉप का सभी लाइसेंस ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। तो डेर किस बात की, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और लाइसेंस और एक लगता है आपका, अगर कोई स्टेट है स्पेसिफिक स्टेट, तो एक ट्रेड लाइसेंस भी लगता है, ठीक है। कस्टमर का पहले से ट्रेड लाइसेंस था इसलिए हम नहीं बनाए हैं, बाकी जो जो उनका नहीं था वो हमने बनाया है। आप देख सकते हैं MSME उद्यम, BIS का गोल्ड एंड सिल्वर, ISO, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और GST, ये सब लगता है। तो आपका भी ज्वेलरी शॉप है तो तुरंत हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका ज्वेलरी का लाइसेंस बना देंगे। और आपका भी जैसे सभी लाइसेंस आ जाएगा ना, वैसे हम वीडियो बना देंगे। आप पहले डिस्क्रिप्शन पे जाइए, हमने रॉक ज्वेलरी का सब लाइसेंस का वीडियो बनाया था, वो भी आप देख लीजिए। और ये है साहा ज्वेलरी एंड टूल्स, ये मणिपुर का है। तो तुरंत हमको कॉल कीजिए और आपका ज्वेलरी शॉप का सभी लाइसेंस बनवा लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।